तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई लोग आज हम गेमिंग कंपैरिजन करने वाले हैं पोको M2 प्रो वर्सेस रियलमी 7i। तो ये गेम प्ले है भाई फिलहाल पोको M2 प्रो का। तो भाई इसको आपको जो ग्राफिक्स मिलेगा वो है स्मूथ से अल्ट्रा तक 40 FPS, और GPX टूल लगा के आपको 60 FPS तक मिल जाएगा। तो ये गेम प्ले मैंने 60 FPS में GPX टूल लगा के यूज़ किया हूँ। तो भाई GPX टूल लगा के आपको 60 FPS तक ही मिलेगा, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो 60 Hz तक ही है, इसलिए आपको 90 Hz तक नहीं मिलेगा। तो ये गेम प्ले भाई आप पूरा देखो, अगर आप ये दोनों फ़ोन में से कोई भी ख़रीदना चाहते हो तो पूरा देखो भाई, आपका ही लाभ होगा। तो भाई अगर आपको पोको M2 प्रो का साथ रियलमी नार्जो 20 प्रो का अगर वीडियो देखना है तो वो भी मेरे चैनल पे है, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। तो भाई इस मोबाइल का आपको जायरो भी अच्छा मिल जाएगा, आप देख ही सकते हैं मैं जायरो अंकल कहीं खेल रहा हूँ। तो भाई अगर आप हॉट डॉप करोगे ये मोबाइल लेके, अगर नॉर्मल हॉट डॉप करोगे तो आपको मोबाइल में लैग नहीं होगा। अगर आप बूट कैम्प जगह पे उतरे हो तो आपको मोबाइल लैग करेगा, क्योंकि आपको पता है ये वहाँ 6-7 स्क्वाड आता ही है इसलिए। तो भैया सबसे मेन बात है इसका डिस्प्ले कैसा है। तो भैया अगर आप 3 घंटा या 3.5 घंटा तक अगर खेलोगे तो आपका डिस्प्ले हीट करेगा ही, तब आपका हाथ भी चिपकेगा। अगर आप पहला पहले मतलब खेल रहे हो 1-2 घंटा तक आपका डिस्प्ले में प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर आप ज़्यादा गेम खेल लिए तो आपका डिस्प्ले भी चिपकेगा और आपका हाथ में भी पसीना आएगा, तो डिस्प्ले में आपको प्रॉब्लम होगा ही टच इशू का। तो भाई आपका फ़ोन में क्या पबजी चल रहा है भाई, मुझे नीचे कमेंट में बताओ। तो भाई मेरा तो फ़िलहाल अभी पबजी चल रहा है, देख ही सकते हो। तो भाई कोई घबराने का बात नहीं, अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप KR वर्जन डाउनलोड कर लो, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और देखते हैं 2 तारीख को तो बोल रहा है 2 दिसंबर को पबजी आ भी सकता है, देखते हैं अभी क्या होता है। तो फ़िलहाल आप KR वर्जन ही खेलो। तो भाई वीडियो को पूरा देखो, आपको मतलब Realme 7i में जो मैं पबजी खेलूँगा उसमें एक हैकर आएगा, मतलब कितना मुझे मारेगा आप सिर्फ देखना, 29 किलो अकेला करेगा और गेम भी जीत जाएगा। तो अगर आप भाई ये दोनों फ़ोन में से कोई भी ख़रीदना चाहते हो तो भाई ख़रीद दो भाई, दोनों ही अच्छा फ़ोन है। पर आपको Realme 7i में आपको GPX टूल एनी टाइम लगा के खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको 30 FPS तक ही मिलेगा।
victory. Realme 7i, तो भाई इसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलेगा वो है स्मूथ से हाई तक 30 FPS। तो अगर भाई इससे पोको M2 से कंपेयर करें तो मतलब ग्राफिक्स तो थोड़ा लो दिया है, क्योंकि पोको M2 में आपको 40 FPS मिल रहा है और इसमें 30 FPS पर। अब इसमें GPX टूल लगा के 90 FPS में मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसका डिस्प्ले 90Hz का है, तो ये मज़ा पोको M2 प्रो में नहीं ले सकते हो। तो भाई आप लोग बहुत जन पूछते हो भाई किस ऐप से आप रिकॉर्ड करते हो, तो भाई मोबाइल में जो ऐप रिकॉर्डर देता है उससे ही ऐप रिकॉर्ड करते हैं। और अभी तो आप मोबाइल रिकॉर्डर से अगर आप रिकॉर्ड भी करेंगे तो आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड होगा। तो भाई अगर आपको लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना है तो भाई आप पोको M2 ले सकते हो, क्योंकि आपको रियलमी 7i में लॉन्ग टर्म के लिए आपको गेम नहीं दिखेगा, लैग करेगा, क्योंकि सब समय तो आप GPX टूल लगा के नहीं खेल सकते हो ना, उसमें भी लैग करता है, क्योंकि आपको जितना ग्राफिक्स नहीं है आप उससे बढ़ा के खेल रहे हो तो आपको लैग करेगा ही। तो भाई अगर आप नॉर्मल गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो भाई ले लो, अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग के लिए या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अगर ये मोबाइल लेना चाहते हो तो मतलब आपको अच्छे से नहीं चलेगा पबजी इसमें। तो भाई फ़िलहाल और क्या ही बोल सकता है, अब देखो हैकर का मार कितना मारेगा हैकर। तो भाई इसको आपको जायरो भी अच्छा मिल जाएगा, पर पोको M2 प्रो से अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ा डिले मुझे लगा। तो इसका बैटरी भी अच्छा है, फास्ट चार्जर भी, आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल यूज़ करने के लिए ले रहे हो तो भाई रियलमी 7i आप ले सकते हो, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो भाई पोको M2 प्रो ही आप ले सकते हो। तो अभी आप हैकर का गेम प्ले देखो, मैं और क्या ही कमेंट्री करूँ। You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left.
team! The red team is unstoppable! Half of the match is over, and the red team is in the lead! Red team victory!